माननीय राजस्व मंत्री श्री आलोक मेहता जी, बेसा के अध्यक्ष इंजीनियर श्री ब्रज कुमार जी, बेसा के महासचिव श्री राजकिशोर प्रसाद जी, उपाध्यक्ष श्री आर एन शुक्ला साहब जी, उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे अभियंतागण, इंजीनियरगण, उनके सभी परिवार के लोग और इससे यहाँ पदाधिकारी कर्मचारी सब लोगों को सबसे पहले इंजीनियर्स डे के अवसर पर, अभियंता दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और हम लोग उनको नमन करते हैं। जैसे सरिया जी तो विश्वकर्मा का भी कहा जाता है, लेकिन हमको लगता है कि अभी आप लोग जो बैठे आप लोग भी विश्वकर्मा के एक रूप हैं। आप सब लोगों का दायित्व कंस्ट्रक्शन में, मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, आप सब लोग जो अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, अपने फील्ड में आप लोग सेवा जो कर रहे हैं लोगों का, वो काबिले तारीफ है। और आपका जो योगदान है देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, ये किसी से छुपा नहीं। और अभी पूर्व में सेक्रेटरी साहब बता रहे थे बैसा के, जब हम लोग पिछले बार मुख्यमंत्री थे, पत्र निर्माण विभाग हमारे पास था, नोडल डिपार्टमेंट होता है, वॉकिंग डिपार्टमेंट से, तो 35 साल बाद जितने चाहे जूनियर इंजीनियर से लेकर के इंजीनियर चीफ था, इकट्ठे जो है 35 साल बाद हम लोगों ने ऑल लेवल एक साथ प्रमोशन हम लोगों ने कर लिया था, लोगों का मनोबल ऊंचा होता। और जो काम करेगा उसको तो सम्मानित तो करना ही चाहिए, उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग तो बड़े पॉजिटिव माइंड सेट के लोग, और प्रोग्रेस कैसे होगा जब तक आप लोगों को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, हर चीज की सुविधा नहीं देंगे, तो बाकी काम तो रुक ही जाएगा। अभी तो कई डिमांड जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है, जो कि जाए डेमोक्रेसी में रहते हैं, और यही तो खूबसूरती है कि हर सरकार के दो मंत्री बैठे हैं और आपका एसोसिएशन डिमांड कर रहा है, ये तो बड़ी अच्छा बात है, तो अच्छी पहल, और सुनना चाहिए सबको, और जो पॉसिबल है उसको तुरंत कर देना चाहिए, लटका के नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कुछ होता है, कुछ नहीं भी होता है, अनेक कारण होते हैं हर एक चीजों से, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नहीं चाहेंगे कि ना हो, क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन सबको मैनेज करना होता है, एक बैलेंस बनाना होता है, तो उस काम में तो हम लोग लगे हुए हैं। और ये नई सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो हम लोग नए सोच वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलना है हम लोगों को, कोई हमारा भाई ना। और आपको हम इतना कहेंगे कि भाई इसी तरीके से अपने आवाज को जो है आपका एसोसिएशन बुलंदी से बात को रखते, जब सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे तो बड़े मजबूत ढंग से लीडर हम कहेंगे कि आपकी मांगों को जो है रख रहे थे, और आप जब मांग रखा जा रहा था तो आप लोगों के चेहरे पे उत्साह था, और हमको लगता है कि आप लोग सोच रहे हो इतना मांग रखे कुछ ना कुछ तो करके देने चले है कि नहीं। तो भाई हम तो पिछले बार भी 18 महीने रहे, कितना काम हम लोगों ने किया, सबको सम्मानित हम लोगों ने किया, और इस बार मौका मिला है, और आप लोग तो बुलाए ही, दोबारा हम आए, जब बुलाए हैं तब हम आ गए, और हम
हमारे सभी उम्र में भले छोटे हैं हम आप लोगों से, लेकिन जिम्मेवारी बड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग देखेंगे, जो फिजिबल है उसको तो हम लोग पूरा करेंगे। आप लोगों का माइंड जाहिर है, खाली जगह कुछ नहीं कि होता। कभी हम पढ़ रहे थे अभी किताब विमोचन जिसका किताब का हो, तो उसमें अब्दुल कलाम जी का कोट पढ़ रहे थे, फेल इज नॉट ए फेल, फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, नो का मतलब और एंड का मतलब, एंड का यही दिया हुआ था और नो का ये दिया हुआ था कि नो जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नो नहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और एफर्ट नेवर फेल्स, एंड का मतलब एफर्ट नेवर फेल्स। तो आप लोगों का एफर्ट जो है वो कभी फेल नहीं होगा, और कहीं नो दिखे तो आप समझिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो ये सारी चीजें तो कभी भी मायूस नहीं हुआ जाता है, हमेशा आप लोग जो है अपने एसोसिएशन अभियंताओं के लिए, अपने समाज के लिए आप लोग लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, पूरा राइट है। तो आज तो खास दिन है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि बता ही रहे थे 3-3 डिपार्टमेंट जो है हमारे पास है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और हम लोग आप लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, काम होते रहना चाहिए। लेकिन कई काम जो है हर तरह के लोग, तरह तरह के लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन हमारा तो यही है भाई परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर कोई योजना हम लोग बनाते हैं, कोई तैयारी करते हैं, तो परफॉर्मेंस जो है वो होना चाहिए, और जब तक आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा तब तक मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो मतलब आप समझ रहे कि आपकी छवि अगर अच्छी रहेगी तब ना मंत्री और डिपार्टमेंट का छवि अच्छा रहेगा, तब तक सरकार की छवि अच्छी रहेगी। तो आप लोग सब लोग जो है ग्रामीण इलाकों में भी काम करते हैं, शहर के इलाकों में भी काम करते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस रहे, कंपेटेंसी रहे, कंपैटिबिलिटी रहे और ट्रांसपेरेंसी रहे। इस हिसाब से हम लोग मिल करके लोगों का जो है सेवा करें, काम करें और हम लोग आगे बढ़ाने का काम। अब यहाँ तो सब लोग जानते हैं विश्वेश्वरैया जी को, क्या क्या इतिहास उन्होंने रचने का काम किया, तो भारत रत्न है, तो बताने की किसी को जरूरत है भी। और हम लोगों का तो मंत्रालय ही जहाँ बैठते हैं विश्वेश्वरैया भवन में बैठते हैं, उनका वहाँ एक प्रतिमा भी है, अच्छा लगता है जब जाते हैं सुबह शाम निकलते हैं तो उनका तो दर्शन होता ही। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जो गुण उनमें था उसी हिसाब से भाई आप लोग भी आगे देश की सेवा और राज्य की सेवा, क्योंकि बिहार देखिए समस्या बहुत पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, रिसोर्सेज नहीं है, लैंड लॉक स्टेट है, रेवेन्यू जिस प्रकार का होना चाहिए उस पर काम लोग कर रहा है, लेकिन जो डेवलप स्टेट है उस प्रकार में आप सोचिए इतने कम रिसोर्स होते हुए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। आज बताइए ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप बताओ रबर डैम को उद्घाटन हुआ, देश का सबसे बड़ा रबर डैम, अब ये 6 लेन जो बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, आपको लगता है एशिया में सबसे बड़ा रिवर पर वो ब्रिज बनने जा रहा है, और वर्ल्ड में नंबर 2 पे हमने देखा, तो कुछ ही मीटर का गैप है आपको लगता है, तो ज्यादा है लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम कहाँ नहीं हो रहा है। बिहार में सब कुछ हो रहा है, हर सारी टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए अभी तो सरकार बनी ही, रात भर में परसेप्शन लोग चेंज करने के लिए लग गए जाते हैं, कुछ माइंडसेट होता एक भाई सरकार बदली है, एक परसेप्शन बनाया जाए, भय का वातावरण बनाया जाए, जो हमारा पीस है उस पीस को जो है खत्म किया जाए। तो जब तक पीस नहीं रहेगा प्रोस्पेरिटी नहीं रहेगी। अब बताइए अब सरकार का परसेप्शन नहीं होता, बिहार के जो लोग परसेप्शन बना रहे हैं फलना राज आ गया, फलना राज आ गया, तो आप समझ जाइए
ये बिहार के 13 करोड़ लोगों को अपमानित कर रहे हैं। जो निवेश भी हम लोगों को लाना होगा, लोग निवेश करने में भी रोकत रहे, तो इससे तो नुकसान किसका होगा? बिहार का होगा। और हम लोग तो अभी काम में लगे हैं। आप बताइए, इतना हम तो पहले भी कह रहे हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार होनी होगी हमारी। और आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, अब किडनी के साथ साथ, किडनी का ट्रांसप्लांट के साथ साथ दवा भी उसका हम लोग फ्री में देने जा रहे हैं लोगों को, मरीजों को देने जा रहे हैं। अभी नई नई स्कीमें आ रही, तो कमी को तो दूर हम लोग कर ही रहे। तो जो लोग परसेप्शन बना रहे हैं, उन लोग बनाते रहे, उन लोगों का वही काम। आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अपना आप लोग काम की। अब नौकरी के बारे में बताइए, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरी और उसके अलावा जो है 20 लाख तक हम लोग रोजगार की व्यवस्था। दो अलग अलग चीज, नौकरी अलग है, रोजगार। अभी आप लोग बता रहे कि रिक्त पद है, और हमारी तो लड़ाई आपको पता है 2020 में रिक्त पदों को भरने की, उस काम में हम लोग लगे हुए। मेरे पास जितना डिपार्टमेंट है या और भी जितने डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है भाई रिक्त पदे अगर भरी जाएंगी तो डिपार्टमेंट स्ट्रेंथनिंग होगा ना। और आप लोगों पे, कई लोगों पे बोझ बहुत ज्यादा आ जाता, ओवरलोडेड है, तो उसको कम से कम राहत होगा। तो इस चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। नौकरी हम लोग नहीं, आपको आगे कुछ देर में देखिएगा लाखों के तादाद में जो है नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी या नौकरी, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है कुछ ना कुछ कह करके जो है बिहार की छवि को धूमिल करना चाहते, तो इतने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए। और बाकी सारा एक एक चीज हम लोग देख रहे हैं, और सारे डिमांड हमने सुना भी है, तो हम लोग बात करेंगे, वर्कआउट करेंगे। हम तो चाहेंगे कि भाई कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए रेगुलर बेस, ताकि जब तक हम आपके समस्याओं को नहीं जाएंगे, कम्युनिकेट होगा तभी ना समस्या को आप जानिएगा क्या और हम कर सकते हैं। तो आप लोग तो इनपुट भी दे सकते, आप लोग बता सकते हैं ऐसा भी किया जाए। आप तो बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, अगर कोई अच्छा इनपुट आप लोग दीजिएगा तो उस चीज को भी हम लोग काम करेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो सारे चीज को आप लोग देख रहे हैं, काम किया जाएगा। और काफी देर से आप लोग बैठे हुए थे, हमको आने में देर हो गया। मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे कार्यक्रम अभी पंचायती राज विभाग, अब हर वार्ड में, हर पंचायत में बिहार के सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना का शुरुआत जो है बिहार में कर देगा, यानी अंधेरा खत्म करने का काम करेगा, लोगों के जीवन में प्रयास लाया जा रहा, प्रकाश लाया जा रहा। तो इतना बड़ा काम हो रहा है, आप समझ जाइए। अब कहीं 7-2 के हिसाब से ये काम जो है आज इसकी शुरुआत हुई है। अब समझिए कि हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट होगा, इससे फायदा होगा, क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं। अब अंधेरा बहुत सारी चीजें, लोगों का डर निकलेगा, बिजली का बचत होगा, हर एक चीज। तो इस काम में तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है सर। तो और भी, और इसमें क्या, सब आप ही लोगों का देन है। इसमें क्या है, इंजीनियर पानी पहुंचाना है तो इंजीनियर पहुंचाएगा, रोड बनाना है, संपर्क बांधना है, जोड़ना है तो इंजीनियर बनाएगा, सिंचाई खेत में पानी पहुंचाना तो इंजीनियर पहुंचाएगा। कितना आप लोगों के ऊपर कितना जिम्मेवारी है। इमारत अगर बनाएगा तो खुशियालों की इमारत आप ही लोग ना बनाते हैं भाई, और कौन बनाता है। तो हर चीज में कितना बड़ा आप लोगों का भूमिका है आप जान ही सकते हैं। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप सब लोगों को पूरा शुभकामनाएं देते हैं, और विशेषज्ञ जी को नमन करते हुए कि चरणों पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।